जो सरकारी कर्मचारी वो जा सकते हैं। देखिए आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है पहले तो मराठी में था, बाद में उस उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लोरिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं, ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं इन ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा।